नहीं तो सैलरी को ना हो सकता है उसका बोलने को मन कर दे मैं बाहर बात कर रहा हूं तभी आवाज आ रही है हेलो मैं बाहर बात कर रहा हूं तभी आवाज आ रही है एक मिनट में कुछ नहीं आप बोलिए सर ऊपर आ रहा है ऊपर आ तो इसको इधर से पूछ रहा हूं मैं तो फोन पे बात कर रहा हूं हम आपकी वीडियो डाल सकते हैं ना सबकी कर दिया स्टार्ट तुम लोगों ने ठीक है दो मिनट प्लीज ये माइक चलते जाए ऐसी खुशी में रखो चल रहे हैं चलो गाइस चलो चलो सेंटर लुक रहेगा ओके 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 गाइस रेडी रोलिंग शुरू करते हैं बहुत फ्रेश लग रहे हो मुझे ये बताइए बहुत इंतजार करवा दिया यार इस फिल्म की वजह से हम आपको मिस कर रहे थे कैसी फीलिंग आती है हाउ स्वीट मैं भी मिस कर रही थी आपको ओके और इस फिल्म के साथ मुझे ये बताइए कि कैसे बबलिंग इन द स्टमक होता है बटरफ्लाई इन द स्टमक होता है पहली फिल्म जिसमें आप इतने सुंदर रोल दिखा रहे हैं यस मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का बॉलीवुड फिल्म है उसमें मुझे मौका मिला काम करने का सलमान सर के अंडर काम करने का सो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती तो है थैंक गॉड मिला मौका इसके साथ ही बाकी की फिल्म इंडस्ट्री में भी आपका बहुत सुंदर नाम रहा है वहाँ खूब प्यार लूटा है आपने यहाँ पर इतने बड़े बैंड के साथ इतना बड़ा रोल कर रहे हैं तब प्रेशर होता है हाँ भगवान जो नहीं भगवान के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए अपनी मेहनत करोगे तो भगवान साथ देगा भगवान के ऊपर वो जो पेपर में हम जब मैं बच्ची होती थी तब करती थी कि बाबा प्लीज़ पास करवा देना बट ये एग्ज़ाम ऐसा है कि ये लोगों के हाथ में है ये एग्ज़ाम तो मैं चाहती हूँ कि भाईजान को प्यार मिले और पूजा हेगड़े एंड सलमान सर को प्यार मिले एंड ये मूवी सुपर डुपर हिट हो जाए जैसे पठान को इतना प्यार मिला पहला दिन माय गॉड मुझे डरा क्यों दिया तुम लोगों ने कुछ नहीं मैं अपने शॉट ढूंढ रही थी और सर देख रहे थे कि मैं अपने आप को खुद को ढूंढ रही हूँ वहाँ पे ऐसा ही बस करैक्टर उसमें भाइयों तीन भाई है उसकी गर्लफ्रेंड एक बॉय भाई की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया है एंड यस अच्छा है सर के साथ काम किया मौका मिला थैंक यू सर पहला दिन पहला सीन था कुछ याद है आपको क्या मतलब किस तरह से शूट किया
हाँ पहला दिन जब मैं गई सेट पे और मैं देख रही थी, सारे हंस खेल रहे थे एक दूसरे के साथ और मैं अकेली अपनी टीम के साथ थी एंड सब ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कराया एंड धीरे धीरे मुझे बोला तू भी हमारे साथ आ, हमारे पास बैठ। तो सब को एक्टर जितने भी थे उन्होंने मुझे कंफर्ट जोन दिया, सब सबके साथ मस्ती की एंड वही था, एक दूसरे से मिले, हेलो हाय ओके बाय, बस ऐसे था। अच्छा शहनाज, यू नो आपसे जानना चाहूँगी कि आप पंजाब इंडस्ट्री से यहाँ आए कि वहाँ के काम करने के तरीके और यहाँ के काम करने के तरीके में कितना आपको फर्क नज़र आया जब आपने ये फिल्म की था? ये बहुत ही बड़े बजट की फिल्म्स होती है, मुझे लगता है बॉलीवुड वाली जो भी फिल्म्स होती है, और मेरे लिए बहुत शॉक्ड था कि अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी लाइक मतलब उनके सेट ही बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आई होप के पंजाबी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे राइज करे एंड उनके भी बजट, इतने बड़े बड़े बजट की फिल्म्स बने। तो यही एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, देखा वाओ अच्छा ऐसे भी होता है, तो ये था। शहनाज, बिग बॉस में भी सलमान जी आपसे बहुत स्नेह रखते थे, बहुत आपका ख्याल रखते थे। स्नेह रखते थे एक्टिंग करते, तो ऑफ कोर्स बंदा कैरेक्टर जो भी मिलता है वैसे ही एक्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में जो वो बिग बॉस के सेट पे होते हैं, रियलिटी शो में है, वैसे ही है सेम, कुछ मतलब नया देखने को नहीं मिला। यस दे आर ही सेम, वो अच्छी एडवाइस देते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, यही सब। तो यानी आपने खूब हंसाया उनको यहाँ पे सलमान बहुत हंसते थे जब आप नहीं, सर मुझे करेक्ट करते थे, वैसे सच्ची बोलूँ सर मुझे करेक्ट करते हैं कि अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है, हंसी मजाक हो गया, अब तुझे आगे आगे लाइफ में सीखना है, और मैं कर रही हूँ, हिंदी सीख रही हूँ, ट्राई करती हूँ मैं हिंदी सीख लूँ जल्दी से। यस समझ गए ना तुम लोग। लेकिन शहनाज इतने सारे एक्टर्स के बीच में एक बेनिफिट आपको ये था कि आपने ऑलरेडी बिग बॉस सलमान के साथ किया था, आपके लिए कितना बेनिफिशियल था बिकॉज एक बॉन्ड आपका ऑलरेडी सलमान के साथ था, तो ये कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? नहीं सर के साथ सबका बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो तो तुमने चलो रियलिटी शो में मेरा देखा हुआ है बॉन्ड, वो कैमरास के आगे है, लेकिन सर का सभी आर्टिस्टों के साथ अलग अलग बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो ऑफ़ कोर्स जानते होगे ना सर सबको, और सर के साथ सारे मस्ती करते, सर सबको अपने मतलब कंफर्ट जोन फील कराते थे, खाना खाते थे एक दूसरे के साथ, हम सेट पे सर बुलाते थे आओ लंच डिनर, हमने इकट्ठे किया है सबने। कुछ नहीं, जाते ही सेट पे वहाँ स्टेप बताते थे एंड वो स्टेप हम कैरी कर लेते थे कॉन्सेंट्रेशन। ही इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड ऑफ कोर्स मदद मिलती है जब कोई अच्छा डांसर होता है, तुम उसके पास ही जाते हो, भाई तू मुझे सिखा, इससे समझ नहीं आ रहा, तो अच्छे डांसर से ही सीखना चाहिए। मैं बहुत ही पॉजिटिव लेती हूँ और मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे सिर्फ काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एटलीस्ट ज़िंदगी अपनी अपने काम को दूँ और मैं मेहनत करती रहूँ और ऐसे मीडिया मेरे अराउंड रहे और मुझे जैसे तुम लोगों ने बनाया है, मुझे हमेशा सपोर्ट करो और मैं अच्छा अच्छा काम करूँ और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस निकालो। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपने मतलब कुछ प्लानिंग करके इस तरह से मूव किया कि जो आता है आप लेते। प्लानिंग अप प्लानिंग प्लानिंग जो है ना सक्सेसफुल नहीं होती लाइफ में ज़्यादातर, और मैं बिलीव करती हूँ ये, मैं कुछ प्लान नहीं करती, जो आता है गो विद फ्लो। क्यों नहीं निभाऊंगी, मैं अपने आप पे मेहनत करूंगी, मेरे मुझे अगर आएगा काम अच्छा तो मैं वर्कशॉप्स करूंगी, कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं लाइफ में।
अगर शहनाज गिल वेट लूज कर सकती है, अपनी स्टाइलिंग चेंज कर सकती है, तो वो सब कुछ चेंज कर सकती है। शहनाज पलक ने कहा है कि सलमान खान का एक रोल है कि सेट पे सारी वुमन से ड्रेस जो है वो कवर होना चाहिए। ना, आपको ना, क्या ना, 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 कौन पूछ रहा है ये? वो वहाँ पे भी मिस कम्युनिकेट हुआ था, यहाँ पे आप फिर से इसको कर रहे हो। नेक्स्ट पूछो प्लीज। ओके वैसे मैं बताऊं तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं तो ट्रेलर लॉन्च में भी मैंने अच्छे सेक्सी कपड़े डाले थे, क्लीवेज था, मुझे ऐसी कभी शहनाज जो भी लोग सलमान के काम करते हैं सबके लिए स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। सलमान ही घर से आया हुआ खाना जो उनकी मम्मी करवाती है और बहुत एलिबरेट होता है, हमने वो खाना खाया है, देखा है। आपने उनकी खाने जिस तरह सलमान डिस्क्राइब करते हैं एक डिश के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, मैं सच्ची बोलूं उनका कौन सा वो बस कौन सी बींग हंग्री, ओ माय गॉड, मेरा मन करे इनको घर ले जाऊं। इतना यम फूड होता है ना वहाँ पे, सबसे ज़्यादा सच्ची बोलूं मैंने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है। और खाना खाने के लिए मैं जाती थी, अच्छा मैं घर से खाना नहीं लेकर जाती थी, मुझे था कि नहीं मैं लंच उधर ही करूँगी, मैं ब्रेकफास्ट भी उधर करूँगी और मैं चाय के साथ सैंडविच भी उधर ही खाऊँगी, क्योंकि इतना यम फूड अलग लेवल का। फिटनेस के ऊपर अगर सलमान सर से टिप्स लेने हैं तो सलमान सर को सिर्फ देखो जिम करते, तो वो तुम्हें खुद ही समझ आएगा कि देखो लाइक उनका जैसे वो जिम करते कितनी मेहनत करते हैं, तो वहाँ से ही तुम्हें समझ आ जाता है, बोलने की और बात करने की और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सलमान हर बार आपको बोलते कि शहनाज मूव करो, तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव होगी? मुझे हमेशा सर यही कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू बहुत आगे जाएगी लाइफ में, रुकना मत और तू बिल्कुल भी सैड मत फील किया कर, तू अपने आप पे मेहनत कर। सो मैं ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ एंड आई विल ऑलवेज यस। फैंस के लिए क्या कहेंगी? हाँ फैंस के लिए यही बोलूँगी कि फैंस मुझे ठंडी हवा देना हमेशा, मुझे गर्म हवा बिल्कुल मत देना, मुझे गर्म हवा आए भी तो रोक लेना बस। अलग ईद के बस बाबा सिद्दीकी के लिए रेडी है कल ड्रेस मेरी रात को। बस यही क्या होना होता है, तैयार होना होता है, जाके खाना खाना होता है, अच्छा अच्छा बस यही होता है ईद के, बस तैयार होना होता है, लड़कियों को तो तैयार होने का शौक है। थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल। इधर आ जाओ।